वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि पोकेमोन की दुनिया में कई सारे पोकेमोन के टाइप्स होते हैं, बट उनमें से जो सबसे पावरफुल पोकेमोन टाइप्स है उनमें से एक है इलेक्ट्रिक टाइप। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के बारे में। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पॉकवन वॉकन लेके बैठ जाओ, नहीं है तो भी बैठ जाओ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी को कर दो ऑल पे, ताकि फ्यूचर में ऐसी पोकेमोन की वीडियोस तुम्हें देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 15 पर आता है गाइस ज़ेप्स स्ट्राइकर। गाइस, ज़ेप्स स्ट्राइकर एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जो कि ब्लिजल का एवोल्यूशन फॉर्म है। इस पोकेमोन को हमें पहली बार यूनोवा रीजन में दिखाया गया था, यानी कि जनरेशन 5 में। बात करें पावर की तो नो डाउट ज़ेप्स स्ट्राइकर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। और बात करें अटैक्स की तो ज़ेप्स स्ट्राइकर को शॉक वेव, फ्लेम चार्ज, वाइल्ड चार्ज और थंडर अटैक जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। बात करें सबसे पावरफुल ज़ेप्स स्ट्राइकर की, जो कि हमें पोकेमोन के एनिमे में दिखाया गया, वो था स्टीफन के पास। गाइज, नंबर 14 पर आता है जोटियन। अब गाइज, जोटियन एक प्योर इलेक्ट्रिक पोकेमोन है जो कि ईवी के कई सारे एवोल्यूशन में से एक है। जोटियन को हमें पहली बार पोकेमोन के कैंटो रीजन में, यानी कि जनरेशन 1 में दिखाया गया था। और बात करें अटैक्स की तो जोटियन को थंडर बोल्ट और डिस्चार्ज जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। और बात करें सबसे पावरफुल जोटियन की, जो कि हमें पोकेमोन के एनिमे में दिखाया गया, वो था वोपनर के पास। नंबर 13 पर आता है गाइस लक्सरे। लक्सरे भी एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जो कि हमें पहली बार सिनो रीजन यानी कि जनरेशन 4 में दिखाया गया था। बात करें लक्सरे की अटैक्स की तो लक्सरे को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्क, थंडर फैंक, वाइल्ड चार्ज और थंडर बोल्ट। और बात करें पोकेमोन के एनिमे में सबसे पावरफुल लक्सरे की तो वो था वोपनर के पास। नंबर 12 पर आता है गाइस एम्फरोज। एम्फरोज भी एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। और बात करें स्पीशीज़ की तो एम्फरोज एक लाइटनिंग स्पीशीज़ का पोकेमोन है जो कि हमें जोटो रीजन यानी कि जनरेशन 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बात करें मूव्स की तो काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक थंडर पंच, जैप कैनन, इलेक्ट्रोबॉल, डिस्चार्ज और थंडर अटैक। और बात करें पोकेमोन के एनिमे में सबसे पावरफुल एम्फरोज की तो वो था कोरिना के पास, जो कि था मेगा इवॉल्व एम्फरोज। गाइज, नंबर 11 पर आता है इलेक्टाबज। गाइज, इलेक्टाबज भी एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है जो कि हमें पहली बार सिनो रीजन में दिखाया गया था। गाइज, इसमें थोड़ा करेक्शन है, इलेक्टाबज हमें पहली बार सिनो रीजन में दिखाया जाने वाला था, बट एक्चुअल में वेन रीजन के आखिरी एपिसोड में ही इलेक्टाबज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि था गैरी के पास। गाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्टाबज एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है जो कि सिनो रीजन में हमें अच्छे से देखने को मिला है। बात करें अटैक्स की तो इलेक्टाबज को कई सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक थंडर पंच और ब्रिक ब्रेक। बात करें पोकेमोन के एनिमे में अब तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल इलेक्टाबज की तो वो होगा मेरे अकॉर्डिंग पॉल का इलेक्टाबज। गाइज, नंबर 10 पर आता है मैग्नेजोन। गाइज, मैग्नेजोन एक प्योर इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप का पोकेमोन है जो कि जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन में हमें पहली बार देखने को मिला था। अब गाइज, वैसे तो मैग्नेजोन की पावर हमें पोकेमोन के एनिमे में उतनी अच्छे से दिखाई नहीं गई, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि मैग्नेजोन एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। बात करें अटैक्स की तो मैग्नेजोन को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक थंडरबोल्ट, जैप कैनन, मैग्नेट बॉम, फ्लैश कैनन और इलेक्ट्रोबॉल। गाइज, नंबर 9 पर आता है इलेक्टॉज। गाइज, इलेक्टॉज एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है जो कि हमें यूनोवा रीजन यानी कि जनरेशन 5 में पहली बार देखने को मिला था। और गाइज, ये पोकेमोन बाकी से थोड़ा यूनिक है। अब भले ही ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, बट गाइज इसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं है। जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन ग्राउंड टाइप मूव से कमज़ोर होते हैं, बट गाइज इस पोकेमोन के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है लिवेटी। इस एबिलिटी में कोई भी ग्राउंड टाइप मूव इस पोकेमोन पर यूज़ नहीं हो सकता, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पोकेमोन की कोई भी वीकनेसेस नहीं है। गाइज, नंबर 8 पर आता है ज़रोरा। गाइज, ज़रोरा भी एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है जो कि हमें जनरेशन 7 में देखने को मिला है। अब गाइज ये पोकेमोन बस हमें पूरे पोकेमोन के हिस्ट्री में बस एक ही बार देखने को मिला है, जो कि था पोकेमोन V21 में द पावर ऑफ अस।
और गाइस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि ये पोकेमॉन बहुत ही पावरफुल है और बाकी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से ये थोड़ा यूनिक है, क्योंकि जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन अपने अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को जमा करते हैं, बट ये पोकेमॉन अपने आसपास की चीज़ों को एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सो नो डाउट कि ये पोकेमॉन पावरफुल है और एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने की वजह से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। गाइज नंबर 7 पर आता है रेजिरेकी, जो कि एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है। रेजिरेकी रेजी पोकेमॉन में से एक है और बात करें इंट्रोड्यूस की तो ये हमें जनरेशन 8 में पहली बार देखने को मिला था। और बात करें अटैक्स की तो रेजिरेकी को काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक थंडर बोल्ट, थंडर केज और जैप कैनन। नंबर 6 टापू कोको। गाइज टापू कोको एक प्योर इलेक्ट्रिक और फेरी टाइप का पोकेमॉन है, जो कि हमें पहली बार सन एंड मून यानी कि जनरेशन 6 में देखने को मिला था। बात करें इस पोकेमॉन की स्पीशीज की तो एक लैंड स्पिरिट पोकेमॉन है और एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। और बात करें इस पोकेमॉन की अटैक्स की तो इसे काफ़ी सारे पावरफुल मूव्स आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन, फॉल स्वाइप, थंडर अटैक और ब्रेव बर्ड। और गाइस पावर के मामले में तो इस पोकेमॉन के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आपने पिकाचू वर्सेस टापू कोको की बैटल देखी है तो आपको पता होगा कि टापू कोको कितना पावरफुल है। गाइस नंबर 5 पर आता है हम सभी का फेवरेट द वन एंड ओनली पिकाचू। गाइस पिकाचू एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, जो कि हमें पहली बार पोकेमॉन के जनरेशन 1 कैंटो रीजन के पोकेमॉन के एपिसोड 1 में ही देखने को मिला था। पिकाचू ऐश का पार्टनर है और नंबर 1 पोकेमॉन भी है, और नो डाउट पिकाचू ने अपने करियर में कई सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है, उनमें लेजेंडरी, सूडो लेजेंडरी और कई सारे रेयर पोकेमॉन भी शामिल है। सो नो डाउट कि पिकाचू बहुत ही पावरफुल है और इस लिस्ट पे नंबर 5 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 4 थंडरस। गाइस थंडरस एक प्योर इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, और बात करें स्पीशीज की तो एक बोल्ट स्ट्राइक पोकेमॉन की स्पीशीज से आता है। और थंडरस यूनोवा रीजन के ट्रियो मेंबर्स में से एक है, जहाँ पर लंडरस और भी कई सारे पोकेमॉन आते हैं। और पावर की बात करें तो नो डाउट कि थंडरस बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन में से एक है, और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन में भी थंडरस बहुत ही पावरफुल है। बात करें अटैक की तो थंडरस को डिस्चार्ज, थंडर, हैमर आर्म और वोल्ट सूट जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। जैपडोस। गाइस जैपडोस एक फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, जो कि जनरेशन 1 यानी कि कैंटो रीजन में हमें पहली बार देखने को मिला था। जैपडोस ट्रियो बर्ड मेंबर का हिस्सा है, जिसमें कि आर्टिकोनो, जैपडोस और मोल्ट्रस शामिल है। गाइस जैपडोस बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बात करें अटैक्स की तो जैपडोस को ब्रेव बर्ड, थंडर, थंडर बोल्ट और वोल्टेकल जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। नंबर 2 रायको। गाइस रायको एक प्योर इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है, जो कि हमें जोटो रीजन में देखने को मिला था। रायको जोटो रीजन के ट्रियो मेंबर में से एक है, जिसमें कि सुइकून, रायको और एंटे आता है। और नो डाउट कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने की वजह से कोई डाउट नहीं है इसमें कि रायको बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। नंबर 1 जैक्रोम। गाइस जैक्रोम इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, जो कि हमें पहली बार यूनोवा रीजन में देखने को मिला था। जैक्रोम यूनोवा रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसने कि यूनोवा रीजन को क्रिएट किया है, वो भी रेशिराम के साथ। गाइस इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि पावर के मामले में जैक्रोम सभी पावरफुल इलेक्ट्रिक पोकेमॉन में से सबसे पावरफुल है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस ये लिस्ट मैंने खुद से बनाई है, अगर आपको लिस्ट पसंद नहीं आई तो आप अपनी खुद की लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।